ये देखिए जो अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर रखेंगे, तब देखेंगे हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, रेक्ट बनती है या इन्वर्टेड बनती है। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी इसने कहा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे। मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये जो पहली रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराएगी। तो मैंने बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास होगी, बताया था मैंने, कहाँ से होगी, फोकस से। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास हुई, फोकस से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी हम रे को पास करते हैं और ये कहाँ से जाएगी, ये भी यहाँ से टकराएगी और वापस बैंड हो जाएगी, कहाँ पर, फोर्स पर। ठीक है ना, इस पर, फोकस पर, सॉरी, फोकस पर बैंड हो जाएगी और यहाँ पर जाकर के टकरा जाएगी। अब देखिए इमेज बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है, वो कैसी इमेज है जो आप देख रहे हैं, इमेज बन चुकी है। ठीक है, कहाँ पर बनी है, फोकस पर। ठीक है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, और वर्चुअल के साथ साथ कैसी है, वर्चुअल है या रियल है, वर्चुअल नहीं है, रियल है, वास्तविक बन रही है। क्या बन रही है, वास्तविक इमेज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, वास्तविक इमेज बन रही है और क्या बन रही है, उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड। ठीक है, किस में, इन्फिनिटी पे रखेंगे तब हम क्या देखेंगे, ठीक है, इमेज हमारी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। अब हम सी से परे रखेंगे, यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पर रख दिया हमने अब इमेज को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहली जो रे आती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी और फोकस से होकर के गुजर जाएगी। हमने ये गलती नहीं करनी है, हमने डायरेक्शन जरूर दिखानी है रे की। ठीक है, डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अब देखिए हमने पहली रे आई इधर, अब क्या हुआ, जो आगे जो डायग्राम बन रहा है, जो दूसरी रे आएगी वो कहाँ से गुजरेगी, हमने कहा था वो दूसरी रे आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। ठीक है, इसके डायरेक्शन दिखा देंगे और यहाँ से टकरा करके ये वापस उसी मीडियम में चली जाएगी और यहाँ पर हमें इमेज प्राप्त होती है। कैसी इमेज है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। बात कर लेते हैं अब हम सी पर रखेंगे, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, सी पर। देखिए वस्तु को मैंने सी पर रख दिया। ठीक है, अब देखिए पहली जो रे आएगी रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराएगी, फोकस से होकर के गुजर जाएगी, ये हमने इसकी डायरेक्शन दिखा दी। अब जो दूसरी रे आएगी वो कहाँ से गुजरेगी, बताया था मैंने, तो दूसरी रे आएगी वो कहाँ से गुजरेगी, देखिए जो दूसरी रे आएगी वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और ये क्या करेगी, वापिस जाएगी या नहीं, नहीं जाएगी, ये इन्वर्टेड यहाँ से बैंड हो जाएगी और यहाँ मुड़ जाएगी। अब देखिएगा कहाँ पर मिलन हो रहा है, फोकस पे हो रहा है या आगे हो रहा है, जो ये रे आई थी फोकस से होकर गुजरी थी, ये रे सीधी गई और ये यहाँ पर बैंड हो रहा है, यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर इमेज बनी है, कैसी बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, कहाँ पर रखने पर वस्तु को, सी पे। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखते हैं, हमने सी और एफ के बीच में वस्तु रख दी, पहली रे आई और फोकस से गुजर गई। ठीक है ना, इससे आगे हम देखेंगे हमने वस्तु कहाँ पर रखी है, सी और एफ के बीच में रखी है। ठीक है ना,
पहली रे जो थी वो फोकस से गुजरी है और जो दूसरी रे आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरनी है यहां से, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है? सी और एफ के बीच, यहां से गुजरेगी जो दूसरी रे है, ठीक है, ये गुजर गई, ठीक है, और ये आगे जाकर के इधर मिलेगी, ठीक है, ये मिल गई इधर, ठीक है। अब देखिए वस्तु जो थी यहां रखी थी, वस्तु से बड़ी बनी है, इमेज क्या बनी है? बड़ी बनी है, ठीक है, लार्ज में बनी है, ठीक है, लंबाई से क्या ज्यादा है और क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। कहां पर रखने पर? सी और एफ के बीच में रखने पर वस्तु हमें रियल प्राप्त हो रही है और इन्वर्टेड प्राप्त हो रही है और बड़ी प्राप्त हो रही है हमने जो रखी थी उससे, ठीक है। अब वस्तु को कहां रखेंगे? एफ पे रखेंगे, एफ पे रखेंगे। अब ये वस्तु यहां से जाएगी और, ठीक है ना, रे है यहां से जाएगी और कहां से गुजरेगी? सीधी सी बात है, कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, उजाड़ दीजिए, ठीक है, और डायरेक्शन जरूर दिखा देना, ठीक है। यहां से गुजारने के बाद अब जो दूसरी रे आएगी वो कहां से गुजरेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, यहां से सी से हमने ये रे आई और यहां जाकर के मिल गई और ये था सी और यहां पर आपकी इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है, ठीक है, और वस्तु से आकार में बड़ी बनी है, ठीक है ना। अब जो लास्ट है ये कह रहा है बिटवीन पी एंड एफ, पी क्या है? पोल है, और पी और एफ के बीच में वस्तु को इधर रख दिया मैंने और पहली गई, ठीक है ना। पहले जाते ही कहां पर से गुजरेगी? जो पहली रे है वो कहां से गुजरेगी? देखिए पहली रे आई और यहां पर टकराई और यहां से बैंड हो गई फोकस से, ठीक है ना। अब जो दूसरी रे आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, हमने पढ़ा था जो दूसरी रे आती है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और ये लास्ट में जाकर के दूर सी मिलेंगी, ठीक है, और ये क्या होगी? लास्ट में जाकर के ये जो रे है क्या होएगा इसमें? जो लास्ट में जाकर के ये रे हमेशा इनलार्ज बनेगी, ठीक है ना, ठीक है, इनलार्ज बनेगी, बहुत ही लंबी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल और सीधी बनेगी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, ठीक है। इससे आगे आप देखेंगे कॉनकेव मिरर के यूज देखेंगे, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये आप सारा याद कर लेना, बड़ा बड़ा करके देखना जितने हो सके उतने डायग्राम, और कॉनकेव मिरर से ही कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम आएंगे आपको समझ, ठीक है ना, इसलिए आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। यूज देखेंगे कॉनकेव मिरर के, कहाँ यूज होता है कॉनकेव मिरर का? टॉर्च होती है उसमें, और अपने फेस को देखने वाला जो मिरर होता है उसमें, वही मिरर भी कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है ना। और कहाँ यूज होता है? और सर्च लाइट है ना, जितनी भी व्हीकल की हेडलाइट है, व्हीकल की जो हेडलाइट है उसमें भी क्या होगा? उसमें भी क्या होगा? कॉनकेव मिरर का यूज होगा। अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर की। अब तक मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर, अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर भी। अब इसमें भी वही फंडा है, ठीक है ना, इसमें कहाँ रखेंगे वस्तु को? इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है ना, इसमें आउटवर्ड होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इधर होएगा और इसमें भी इधर, जबकि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होता था? इनवर्ड होता था, ठीक है ना, अंदर की तरफ होता था। बात कर लेते हैं वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? वस्तु को इधर रखते हैं, रे जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, यहां से रे जाएगी और क्या होगा? यहां मिरर से टकराएगी, ठीक है ना, और बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। देखिएगा जो वस्तु है यहां रखी और यहां से बैंड हो गई, हमने ये बैक करके कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पे बनेगा ना, यहां से जाएगी, ठीक है, यहां पर दोनों मिल गई, ठीक है ना। अब देखिए
पोजिशन ऑफ द इमेज क्या बनेगी, फोकस पर बनेगी, मिरर से बैक में बनेगी, कहां पर वस्तु को कहां पर रखने पर, इन्फिनिटी में रखने पर, कहां किस केस में, कौन के हो कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है ना। इसमें क्या क्या करेंगे, वस्तु को कहां रखेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी और कोण पी के बीच में रखेंगे, यहां पर रखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल पी के बीच में रखा हमने वस्तु को, तो सारी की सारी जो रे हैं वो जाएंगी ऐसे ही, ठीक है ना, कुछ रे टकराएंगी और कहां से बैंड हो जाएगी, यहां से, ठीक है ना, यहां से बैंड हो गई और हम इसको बैक मिलाएंगे, ठीक है ना। पीछे मिलाने पर ये कहां पर मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, ठीक है, फोकस पे मिलेगी और एक रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। अब देखिए वस्तु जो बनी है आपकी इमेज वो पी और एफ के बीच में बनी है, पी और एफ के बीच में इमेज बनी है, कहां बनी है, पी और एफ के बीच में बनी है, यहां पर बनी है, पी और एफ के बीच में यहां पर आपकी इमेज बनी है, ठीक है ना। इमेज कैसी बनी है बताइएगा आप, वर्चुअल बनी है या रियल बनी है। जी हाँ, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, आप पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज आमतौर पर कहाँ करते हैं, व्हीकल में करते हैं, व्हीकल का जो मिरर है उसमें करते हैं, और कहाँ करते हैं, इसका यूज हम ट्रैफिक जो लाइट होती है वहां पर भी करते हैं, ट्रैफिक बिहाइंड जो होता है, बीम होता है जो मिरर लगा होता है डायरेक्शन वाला, वहां पर भी इसका यूज करते हैं। ये पढ़े हमने आज कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। जी हाँ दोस्तों।